हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन पार्ट में मॉन्टोस टेस्ट के बारे में जरा सा जानते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने मॉन्टोस टेस्ट के बारे में बहुत बार सुना होगा और हमारे जो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं ये मॉन्टोस टेस्ट पेशेंट को बहुत बार एडवाइस भी कर चुके हैं। इसलिए आज इस लेक्चर्स में हम लोग मॉन्टोस टेस्ट के बारे में जरा सा डिटेल में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मॉन्टोस टेस्ट है जिसको हम लोग ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, यहाँ पे जो ट्यूबरक्लिन नाम का एक इंजेक्शन रहता है जो हमारे आर्म में जरा सा पेशेंट को 0.1 ml में पेशेंट को दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद मतलब 48 to 72 hours में पेशेंट को जरा सा चेक भी किया जाता है। इसलिए वहाँ पे जो पेशेंट को कुछ वहाँ पे कुछ रिएक्शंस वगैरह आई है क्या, ये सब चीज़ें वगैरह वहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो प्रोसीजर वगैरह है थोड़ा डिटेल में अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये जो मॉन्टोस टेस्ट है जो इट इज़ यूज टू डायग्नोस लैटेंट टीबी इन्फेक्शन, मतलब जो डॉर्मेंट स्टेज में टीबी रहता है, मतलब जो इंक्यूबेशन पीरियड में जो ट्यूबरक्लोसिस रहता है पेशेंट में, ये सब चीज़ें डायग्नोस वहाँ पे करने के लिए मॉन्टोस टेस्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे मॉन्टोस टेस्ट की प्रोसीजर क्या है वो जरा सा डिटेल में देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आज एक आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे इमेज कि पेशेंट के जो आर्म में ट्यूबरक्लिन इंजेक्शन जो है, ये ट्यूबरक्लिन इंजेक्शन पेशेंट में इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ट्यूबरक्लिन इंजेक्शन ये इंजेक्ट किया जा रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोसीजर में क्या होता है, हमारे ट्यूबरक्लिन नाम का एक इंजेक्शन रहता है। ट्यूबरक्लिन नाम का इंजेक्शन क्या करने रहता है, ये इंसुलिन सिरिंज से पेशेंट के आर्म में 0.1 ml तक के पेशेंट में दिया जाता है। ये ट्यूबरक्लिन सिरिंज भी रहती है या फिर इंसुलिन सिरिंज से भी यहाँ पे हम लोग ये इंजेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये 0.1 ml तक के पेशेंट के आर्म में इंजेक्ट करना रहता है सबक्यूटेनियसली और वहाँ पे पेशेंट को एक तरह से एक सर्कल ऐसा मार्क किया जाता है और पेशेंट को जो 48 to 72 hours तक पेशेंट को ये जरा सा यहाँ पे जरा सा पेशेंट को चेक करना रहता है। 48 to 72 hours के बाद में पेशेंट को फिर से बुला के यहाँ पे कुछ रिएक्शंस वगैरह एंटीबॉडीज वगैरह कुछ रिएक्शन वगैरह हुई है क्या, यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंड्यूरेशंस वगैरह फॉर्मेशन हुआ है क्या, ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक करना रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या करते हैं, ये 0.1 ml ऑफ ट्यूबरक्लिन फ्लूइड, कौन सा है, 0.1 ml ट्यूबरक्लिन फ्लूइड इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ऑफ द लोअर आर्म, ठीक है। कहाँ पे स्किन लोअर आर्म में इंजेक्ट किया जाता है विद ट्यूबरक्लिन सिरिंज और इंसुलिन सिरिंज एंड ऑब्जर्व फॉर 48 to 72 hours आफ्टर द टेस्ट, ठीक है। ये पेशेंट को इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को फिर से 48 to 72 hours के बाद पेशेंट को फिर से बुलाना रहता है, वहाँ पे कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है क्या, ये सब चीज़ें वगैरह जरा सा इंड्यूरेशन कितना है, एमएम में टेस्ट किया जाता है, वो ये सब चीज़ें वहाँ पे जरा सा देखी जाती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे टेस्ट में क्या क्या करते हैं, पहले ट्यूबरक्लिन जो फ्लूड रहता है, ट्यूबरक्लिन फ्लूड एक इंजेक्शन का जो है इंजेक्शन रहता है ट्यूबरक्लिन का, ये ट्यूबरक्लिन फ्लूड 0.1 ml में ट्यूबरक्लिन सिरिंज या फिर इंसुलिन सिरिंज में लेके पेशेंट को जो है लोअर आर्म में जरा सा ये पुश किया जाता है, ठीक है। लोअर आर्म में जरा सा सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन दिया जाता है और वहाँ पे राउंड सर्कल किया जाता है और वहाँ पे जरा सा इंड्यूरेशंस वगैरह है क्या नहीं, ये सब चीज़ें जो है 48 to 72 hours के बाद में देखते हैं और इंड्यूरेशन कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से डायग्नोसिस वगैरह होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। वो डायग्नोसिस वगैरह कैसे करना है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या क्या है, ये सब चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जरा सा प्रोसीजर भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो दोस्तों ये प्रोसीजर है, यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट या फिर वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ है जो लेबोरेटरी में, वो ट्रेन स्टाफ है पैथोलॉजिस्ट, या आपके इंजेक्शन जरा से इंजेक्शन ये पेशेंट को दिया जाता है उनकी तरफ से, ठीक है। एंड पेशेंट इज एडवाइज नॉट टू यूज सोप ऑयल क्रीम इचिंग अराउंड द टेस्ट एरिया, मतलब पेशेंट को जो 48 to 72 hours तक पेशेंट को यहाँ पे कुछ भी साबुन या फिर वहाँ पे ऑयल क्रीम कौन सी भी यहाँ पे लगाना नहीं रहता, क्योंकि क्या होता है कई बार समझो स्क्रीन वगैरह लगाते हैं वहाँ पे उस एरिया में, तो वहाँ पे क्रीम की वजह से भी कई बार इंड्यूरेशंस वगैरह हो सकता है वहाँ पे, इसलिए वो डायग्नोसिस करने में ज़रा सा दिक्कत जा सकती है। इसलिए पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि वहाँ पे सोप ऑयल क्रीम ये सब चीज़ें वहाँ पे लगाना नहीं रहता है या फिर वहाँ पे इचिंग वगैरह कुछ करने के लिए पेशेंट को मना करना रहता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि कई बार ये फॉल्स रिजल्ट भी दिखा सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और बाद में जरा सा रिजल्ट इसके बारे में देखने से रिजल्ट कैसे देखते हैं ये भी जरा सा हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे जरा सा रिजल्ट कैसे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिएक्शन मेजर्स इन मिलीमीटर, ठीक है। रिएक्शन कैसे मेजर करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे सर्कल किया जाता है राउंडेड सर्कल और यहाँ पे रिएक्शन मेजर्स इन मिलीमीटर ऑफ द इंड्यूरेशन, वहाँ पे इंड्यूरेशंस वगैरह कुछ हुआ है क्या, ये मिलीमीटर में पेशेंट का टेस्ट किया जाता है, मतलब जो मेजरिंग टेप से हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ये साइज ऑफ द रेज्ड हार्ड एरिया और स्वेलिंग विद द स्केल, यहाँ पे कुछ समझो ये सर्कल के बीच में पेशेंट को कुछ इंड्यूरेशन हुआ है क्या, उसकी साइज़ क्या है या फिर वहाँ पे हार्ड एरिया है क्या, वहाँ पे स्वेलिंग है क्या, ये सब चीज़ें वहाँ पे रिजल्ट जो हम लोग 48 to 72 hours के बाद में पेशेंट पे रिजल्ट
देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। द मोंटॉक्स टेस्ट रिजल्ट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द रेज्ड हार्ड एरिया और स्वेलिंग, जो यहाँ पे जो इंड्यूरेशन है ना, यहाँ पे सर्कल के में जो इंड्यूरेशन वहाँ पे होता है, वो इंड्यूरेशन की साइज, वहाँ पे कुछ वहाँ पे जरा सा जो रेज्ड कितना हार्ड एरिया है, ये सब चीज़ें देख के वहाँ पे जरा सा हम लोग यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी साइज जरा सा 5 mm है, 10 mm है, 15 mm है, इसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो अभी हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे समझो रिजल्ट के बाद, रिजल्ट में कैसे देखते हैं, यहाँ पे पेशेंट को स्किन टेस्ट नेगेटिव रहती है या फिर पॉजिटिव रहती है, ठीक है। यहाँ पे समझो नेगेटिव स्किन टेस्ट है, दैट मीन्स पर्सन्स बॉडी इज नॉट इन्फेक्टेड विथ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये सब हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जब समझो नेगेटिव है, वहाँ पे कुछ इंड्यूरेशंस वगैरह नहीं है, तो पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन नहीं है इस टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और समझो पॉजिटिव स्किन टेस्ट है, तो वहाँ पे इंड्यूरेशंस वगैरह पता चलता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव स्किन टेस्ट मीन्स पर्सन्स बॉडी इन्फेक्टेड विथ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ठीक है। जो पॉजिटिव रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द इंड्यूरेशन, जो कि इंटरप्रिटेशन में है दोस्तों यहाँ पे, कि जो साइज वगैरह है, ये साइज वगैरह जो इंड्यूरेशन कितना साइज का है, इसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सो ऐसे पेशेंट में इंटरप्रिटेशन कैसे कैसे करना जा रहा है जरा देख लेते हैं, ठीक है। समझो यहाँ पे जो इंड्यूरेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 mm है, ठीक है। जो हम लोग सर्कल करते हैं वहाँ पे समझो इंजेक्शन के बाजू में जो इंड्यूरेशन वगैरह है, समझो 5 mm से ज़्यादा है या फिर इक्वल टू है, तो ऐसे पेशेंट में ये इन्फेक्ट जो ऐसे पेशेंट में ये पॉजिटिव कौन से पेशेंट में पकड़ते हैं, या कंसिडर्ड पॉजिटिव इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, ठीक है। समझो फॉर एग्जांपल पेशेंट को HIV इन्फेक्टेड है, उसको ट्यूबरक्लोसिस है क्या नहीं है देखने के लिए, समझो यहाँ पे हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट की है उस पेशेंट में, और वहाँ पे जो इंड्यूरेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 mm है, तो ऐसे HIV इन्फेक्टेड पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव हम लोग कंसिडर करते हैं, और उनको हम लोग AKT वगैरह चालू कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे कौन से पॉजिटिव पकड़ते हैं हम लोग, समझो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है और उसमें समझो ट्यूबरक्लोसिस है क्या नहीं देखना है, तो ऐसे केसेस में हम लोग 5 mm ये ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करने के बाद समझो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 mm तक ये समझो यहाँ पे इंड्यूरेशन है, तो ऐसे पेशेंट में जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट में हम लोग ये पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और समझो पेशेंट समझो यहाँ पे हाई प्रिवेलेंस रेट है, जो कि समझो एक घर में ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है और उसमें कंटिन्यूसली एक आदमी उसके समझो कांटेक्ट में है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, तो समझो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 mm से ज़्यादा समझो इंड्यूरेशन उस पेशेंट में है, तो उसको हम लोग कंसिडर पॉजिटिव करते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 mm कंसिडर्ड पॉजिटिव इन पेशेंट विथ हाई प्रिवेलेंस रेट, दैट इज इन कॉन्टैक्ट विथ TB पेशेंट, समझो TB पेशेंट के कॉन्टैक्ट में एक आदमी आया है और उसमें इंड्यूरेशन कितना ग्रेटर देन 10 mm या फिर उससे ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग ट्यूबरक्लोसिस उसको पॉजिटिव कहते हैं। और यहाँ पे ऐसे पेशेंट में पॉजिटिव केसेस में हम लोग आगे उसकी CBNA टेस्टिंग वगैरह ऐसे पेशेंट को एडवाइस करते हैं दोस्तों यहाँ पे कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। बाद में आता है समझो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 mm जो समझो इंड्यूरेशन है यहाँ पे, ठीक है, जो सब लोग सर्कल करते हैं उसमें समझो ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 mm तक ये इंड्यूरेशन है, तो ऐसे केसेस में कौन से भी पेशेंट में TB का इन्फेक्शन पॉजिटिव कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। कौन से भी पेशेंट में TB इन्फेक्शन पॉजिटिव है और ऐसे पेशेंट को हम लोग आगे चल के चेस्ट एक्सरे है, CBNA टेस्टिंग वगैरह पेशेंट को एडवाइस करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे और एक बार जरा सा हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं, समझो पेशेंट में HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है और उसमें TB डायग्नोस करना है, तो वहाँ पे इंड्यूरेशन कितना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 mm तक ये इंड्यूरेशन चाहिए। समझो 5 mm इंड्यूरेशन है, तो ऐसे पेशेंट जो है ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव रहता है ऐसे में, ठीक है। और समझो पेशेंट कुछ है कि जो TB डायग्नोस पेशेंट है वहाँ पे कंटिन्यूसली उसके कॉन्टैक्ट में है, तो ऐसे पेशेंट में समझो इंड्यूरेशन 10 mm तक है, तो ऐसे पेशेंट को भी हम लोग यहाँ पे TB पॉजिटिव कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और उसको आगे चल के दूसरे टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। और समझो कौन सा पेशेंट में भी समझो इंड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मतलब 15 mm से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए टेस्ट में क्या होता है दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 15 mm तक समझो ये इंड्यूरेशन है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव कहते हैं। और ऐसे पर्सन को क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, इफ अ पर्सन मोंटॉक्स टेस्ट बिकम पॉजिटिव देन पेशेंट इज एडवाइज चेस्ट एक्सरे, CBNAT, स्पूटम एग्जामिनेशन, ये सब टेस्टिंग पेशेंट को एडवाइज हम लोग फर्दर जाके करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये जो मोंटॉक्स टेस्ट के जो इंटरप्रिटेशन है, जो पेशेंट के जो रिजल्ट है, ये सब चीज़ें ये डायग्नोस करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है।
सो दोस्तों, यह मॉन्टॉस टेस्ट के बारे में जरा सा प्रोसीजर और उसके बारे में जरा सा हम लोगों ने जो रिजल्ट है डिटेल में देखा। अभी हम लोग मॉन्टॉक्स टेस्ट के कुछ ड्रॉबैक देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है ना, ये नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कि क्या है दोस्तों, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा लो है। इसके साथ साथ पेशेंट समझो है बिकम पॉजिटिव ड्यू टू प्रीवियस बीसीजी वैक्सीनेशन और नो टीबी इन्फेक्शन। समझो पेशेंट ने बीसीजी वैक्सीनेशन वगैरह लिया है, तो ऐसे पेशेंट में भी ये क्या होता है, यहाँ पे मॉन्टॉक्स टेस्ट कई बार पॉजिटिव आती है, तो ये फॉल्स रिजल्ट वगैरह हम लोगों को देती है दोस्तों, ठीक है। और कई बार क्या होता है, समझो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो पेशेंट में समझो उसके बैक्टीरियल लोड कम है, तो कई बार ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी देता है दोस्तों यहाँ पे मॉन्टॉक्स टेस्ट। इसलिए कभी भी दोस्तों ये मॉन्टॉक्स टेस्ट हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट के हिसाब से नहीं लेते। इसलिए हाल ही में बहुत कम ये यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसका ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आज तक बहुत ज़्यादा मॉन्टॉक्स टेस्ट पे टेस्ट वगैरह अभी तक हम लोगों ने उसके हिसाब से डायग्नोस वगैरह किए हैं टीबी के पेशेंट। लेकिन क्या है दोस्तों, अभी की हाल ही में सीबीनेट टेस्टिंग वगैरह जो है हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर हमारे जो तालुका प्लेस के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीबीनेट टेस्ट वगैरह पे सब जगह अवेलेबल है हाल ही के हाल ही में। इसलिए मॉन्टॉक्स टेस्ट पे हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है टीबी डायग्नोस करने के लिए। फिर भी ये मॉन्टॉक्स टेस्ट वगैरह है जो पेरिफेरीज में जहाँ पे सीबीनेट टेस्टिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है, ऐसे रिमोट एरियाज में वगैरह है, आज भी ये मॉन्टॉक्स टेस्ट डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसके बारे में ज़रा सा पहले ही अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लेना कि समझो यहाँ पे सीबीनेट टेस्टिंग वगैरह अवेलेबल है, तो ये ज़रूरत नहीं है कि मॉन्टॉक्स टेस्ट करें, डायरेक्टली हम लोग सीबीनेट टेस्ट वगैरह पेशेंट में करने चाहिए, क्योंकि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है और ज़रा सा बहुत ही कम टाइम में सीबीनेट टेस्टिंग वगैरह होती है दोस्तों, ठीक है। सो ये ट्यूबरक्लोसिस जो डायग्नोस करने के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना। समझो पेशेंट पॉजिटिव आता है तो फिर भी ऐसे पेशेंट को हम लोग सीबीनेट टेस्टिंग के लिए वगैरह हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं दोस्तों, यहाँ पे उसका चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाते हैं, स्पूटम एग्जामिनेशन वगैरह सब ये सब चीज़ें वहाँ पे हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है इसलिए पेशेंट को जो AKT वगैरह चालू करना ये सब चीज़ें अभी फाली में ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते दोस्तों। इनके सीबीनेट टेस्टिंग में समझो कन्फर्मेशन हुआ है तो ऐसे केसेस में ही हम लोग पेशेंट को AKT ट्रीटमेंट वगैरह चालू करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये ज़रा सा अच्छी तरह से यहाँ पे देख लेना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है।